भारतीय थल सेना के लिए जनपद सीतापुर के लाल ग्राम रूढ़ा के निवासी शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे का नाम हमेशा अमर रहेगा। हम आपको बताते चले, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े ग्राम रूढ़ा पहुंचकर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर थल सेना प्रमुख के द्वारा शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के माता पिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। परिवारजनों और सेना के अफसरों की मौजूदगी में थल सेना प्रमुख के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पैतृक गांव में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को देखने के लिए क्षेत्रीय लोग काफी उत्साहित दिखे। नवाजा गया। आज हम सबके लिए बेहद गौरवपूर्ण क्षण है कि इस मिट्टी के अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र मरणोपरांत के स्मारक का अनावरण माननीय थल सेना अध्यक्ष द्वारा संपन्न हुआ। अब मैं माननीय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे PVSM, ABSM, SM, VSM, ADC, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अनुरोध करता हूँ कि वे अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र मरणोपरांत के पिता श्री गोपी चंद्र पांडे एवं उनकी माता श्रीमती मोहिनी पांडे को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। अब मैं माननीय थल सेना अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूढ़ा 86 के विकास के लिए विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अर्चना दीक्षित को भारतीय सेना की ओर से 1,00,000 रुपए का चेक बतौर आर्थिक अनुदान भेज करें।